तो अब बात करते हैं 15% AIQ ऑल इंडिया कोटा एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स यूनियन टेरिटरी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट एग्ज़ाम 2020 के बारे में, और आप लोगों को मैं बताऊंगा नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए और मिनिमम एज कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स का, कि वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की नेशनल एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप कर पाए। और 15% ऑल इंडिया कोटा एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, वो कौन लोग इस एलिजिबिलिटी कोटा में आते हैं कि नहीं, उनको क्या फ़िलअप करना चाहिए, कौन से स्टेट से वो फ़िलअप करेंगे। और साथ में आपको बता दूँ नीट का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, आपको बता दूँ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि नीट मतलब मेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा आपके MBBS और BDS एस्पिरेंट्स के लिए कोर्सेज के लिए, तो इसमें आपको एम्स और जिपमर जो दो एग्ज़ाम होते हैं ये एग्ज़ाम आप नहीं होंगे। नीट मेडिकल का सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं अपने भारत के कंट्री में। तो उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, एम्स और जिपमर बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ नीट का एग्ज़ाम होगा। तो इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहो एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना। और देख सकते हो आप यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, तो वो YouTube चैनल के नीचे होगा, उसको दबा देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं भी वीडियो अपलोड करूँ। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब कंडक्ट कर रही है नीट एग्ज़ाम को। जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर ले हैं, सबसे पहले उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर से चेक करना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि MBBS और BDS कोर्सेज के लिए एडमिशन देती है। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको एग्जामिनेशन इसलिए देना होगा क्योंकि आप एडमिशन ले पाओ जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो आइए आप देखते हैं नीट 2020 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि आप लोगों को बता दूं नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020 की बात की जाए तो ये सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार 2020 से कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। एम्स एंड जिपमर एंट्रेंस एग्जाम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नीट एग्जाम। तो एम्स और जिपमर का एग्ज़ाम नहीं होगा, अब सिर्फ नीट के एग्ज़ाम के थ्रू मेडिकल में आप एडमिशन ले सकते हो, मेडिकल के MBBS और BDS कोर्सेज में। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर नीट 2020 एग्जामिनेशन। आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तब भी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को कुछ आईडी की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप अगर इंडिया के स्टूडेंट हो, इंडियन नेशनैलिटी है, और जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में आप रहते हो, तो आपके लिए आधार कार्ड, क्लास 12th के रोल नंबर इशू बाय बोर्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक विथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, नंबर ऑफ एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट, तो इन सभी में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। NRI स्टूडेंट की बात की जाए तो उनके पास आधार कार्ड, आधार नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। फॉरनर OCI PIO के पास पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। अब नेशनलिटी की बात की जाए तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट सीकिंग फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन अब्रॉड आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई नीट। अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो तो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो देर इज़ अ लोअर एज लिमिट। नीट एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ने के लिए आपको कैंडिडेट्स को कम से कम 17 ईयर्स होना चाहिए। 31 दिसंबर 2020 से पहले आप 17 वर्ष के कम से कम हो जाने चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 25 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स एवर 25 ईयर आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर एंड देयर कैंडिडेचर इन सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हाईएस्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स स्टडी,
जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट्स हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द एवर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो आपका क्लास 12th में ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या फिर आप कोई भी बोर्ड से इक्विवेलेंट कर रहे हो तो उसमें ये सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 50% जनरल एंड जनरल EWS कैटेगरी को कम से कम 50% चाहिए, 45% आपका जनरल PH के लिए चाहिए एंड 40% मार्क्स चाहिए SC ST एंड OBC NCL कैटेगरी के लिए टेकन टुगेदर इन PCB सब्जेक्ट में भी इतना चाहिए और ओवरऑल भी इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। अपेयरिंग कैंडिडेट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड कैन ऑल्सो अप्लाई, दे मस्ट हैव टू शो पासिंग सर्टिफिकेट कंप्लाइंग विद द परसेंटेज क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आप क्लास 12th की अपेयरिंग में हो, मतलब अभी आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो मार्च में और नीट का भी एग्ज़ाम साथ में दोगे, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हो, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। काउंसलिंग के टाइम पर आपको अपना परसेंटेज वहाँ पर शो करना होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, आप अगर NIOS स्टेट ओपन स्कूल या फिर प्राइवेट कैंडिडेट तो आप एलिजिबल हो नीट एग्ज़ाम के लिए। लास्ट ईयर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये ऑर्डर दे दिया था, कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द स्पेशल लीव पटिशन फिल्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये पटिशन फाइल कर दिया गया, तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू MBBS एंड BDS कोर्सेज। तो आपका अगर मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो नीट एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आपका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी आप नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो अब बात करते हैं 15% AIQ ऑल इंडिया कोटा एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स यूनियन टेरेटरीज में जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख से हैं वो एलिजिबल नहीं है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। तो आप अगर जम्मू कश्मीर से हो तो वहाँ पे बिल्कुल फिलअप मत करना ऑल इंडिया कोटा में, अगर आप जम्मू कश्मीर से नहीं हो। अगर आप उसको फिल करते हो और जम्मू कश्मीर से हो तो आपको क्लेम करना होगा एलिजिबिलिटी। इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जनरेट करना होगा, प्रिंट आउट लेना होगा और कंफर्मेशन पेज से रिकॉर्ड रखना होगा, और इसको आपको प्रेजेंट करना होगा ड्यूरिंग काउंसलिंग की जम्मू कश्मीर से हो और सेल्फ डिक्लेरेशन हो करके आप ऑल इंडिया कोटा 15% का फ़ायदा ले सकते हो। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कैन अपियर इन नीट एग्जाम फॉर एडमिशन टू प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज और एनी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो अगर आप 15% का फ़ायदा लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा एलिजिबिलिटी के तहत तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए, और भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इसको नहीं क्लेम करते थे, लेकिन अब जो बच्चे सिर्फ यूनियन टेरेटरीज के जम्मू एंड कश्मीर से हैं और लद्दाख से, वो सिर्फ इस ऑल इंडिया कोटा का फ़ायदा नहीं ले सकते, लेकिन सभी बच्चे फ़ायदा ले सकते हैं वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, बिहार, UP, कर्नाटका, मुंबई, दिल्ली जितने भी हैं वो सभी फ़ायदा ले सकते हैं। प्रदेश और तेलंगाना की बात की जाए तो 2018 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने ज्वाइन कर लिया था और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 15% ऑल इंडिया सीट्स। इसी के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बच्चे एलिजिबल हैं 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स में विदाउट एनी सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आप लोग इजीली से वहाँ पे सेल्फ 15% ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी ले सकते हो, ये आप लोग के लिए ठीक है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अगर ये लेते हैं तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। एलिजिबिलिटी फॉर 85% स्टेट कोटा सीट्स। तो इसके लिए बता दूँ, जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं नीट 2020 में, वो 85% ऑफ सीट्स MBBS एंड BDS काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पे होते हैं, वाइल द रिमेनिंग 15% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड बाई थ्रू ऑल इंडिया सेंट्रलाइज काउंसलिंग, और 85% आपका स्टेट वाइज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से होता है। द एलिजिबिलिटी फॉर 85% कोटा सीट्स ऑफ द स्टेट्स आर मेंशन। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कैंडिडेट्स कम से कम 10th और 12th पास होने चाहिए उस स्टेट से, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए उस स्टेट का, तभी आप 85% स्टेट कोटा का भी फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों
जी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020 क्वालिफिकेशन एज 15% AIQ एलिजिबिलिटी सारी डिटेल्स आपको इस लोग के साथ शेयर कर दी। तो आपने अगर इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और करना और शेयर भी करना। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले जब अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।